अमृतसर रेलवे स्टेशन से स्वागत करना और नाल मेरे राजेश जी प्रेस मीट करने पे इसके अलावा दो मेरे नाल सहयोगी रहे मैं तुहाडा सब दा अमृतसर रेलवे स्टेशन ते स्वागत करना और नाल मेरे राजेश जी जेडे साडे डीआरएम ने सो जिन्ना सारा काम होया दिस क्रेडिट गोज टू ऑल द ऑफिसर सो मैं उन्हां नूं कांग्रेचुलेट करना मैं बधाई देना अपना राजेश जी डीआरएम साहब और उन्हां दी टीम नूं कि जिन्हां दी बड़ी अच्छी कार्यकुशलता नाल इह स्टेशन असीं देखिया है ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ 2016 ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਬਣਿਆ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਸਟੇਸ਼ਨ ਕੀ ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਮੈਂ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ ਔਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸੁਰੇਸ਼ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸੀ ਸੁਰੇਸ਼ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਦੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਾਈ ਔਰ 1 ਤੇ 300 ਕਰੋੜ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਲਿੰਕ ਪਾਸ ਕਰਵਾਇਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਲਿੰਕ ਦਾ ਹੁਣੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਡੀਆਰਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਔਰ 1 ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵਰਲਡ ਕਲਾਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਪਾਸ ਕਰਾਇਆ ਸੋ 1 ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਦਲਿਆ ਰੂਪ ਹੈ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹਦੇ ਇਲਾਵਾ ਵਰਲਡ ਕਲਾਸ 6 ਸਟੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਪਾਸ ਹੋਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੂੰ ਇਨਕਲੂਡ ਕਰਾਇਆ ਸੁਰੇਸ਼ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਤੋਂ ਔਰ ਉਹ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੇਸ਼ਨ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੈਂਡਓਵਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੀ ਪੀਪੀਟੀ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਸੀ ਉਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੋ ਅੱਜ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਅੱਜ ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਉਹੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਖੇਡੇ ਲੱਗਦੇ ਸੀ ਚੂਹਿਆਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਫਰਸ਼ ਖਰਾਬ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਗ੍ਰੇਨਾਈਟ ਸਟੋਨ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਜਿਹਦੇ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਬੈਠ ਕੇ ਅਤੇ ਅੱਜ ਪ੍ਰੈਸ ਮੀਟ ਕਰਨੇ ਪਏ ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਇਲਾਵਾ ਦੋ ਸਾਡੀਆਂ ਬੈਂਕਾਂ ਵੇਚਣ ਦਾ ਆ ਸਾਡੇ ਅਮੀਰ ਜਿਹੜੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਮੀਰ ਜਾਇਦਾਦ ਸਾਰੀ ਵੇਚਦੀ ਆ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਘਰਾਓ ਕਰਨਾ ਆ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਆ ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਆ ਹਿੰਦ ਦੀ ਚਾਦਰ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣਾ ਬਲੀਦਾਨ ਦੇ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਬਚਾਇਆ ਸੀ ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਾਸੀ ਆ ਅਸੀਂ ਤਿਰੰਗੇ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਤਿਰੰਗੇ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਦਾ ਆ ਮਾਨੀਆਂ ਡਾਨੀਆਂ ਦੇ ਇੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਤਿਰੰਗੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੇਚਣ ਦਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਕੰਡਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਖੀ ਆ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਵੇਚਣ ਦੀ ਚਾਲਾ 'ਚ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਵੇਚਣ ਦਾ ਆ ਪਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਸਾਰਾ ਵੇਚਤਾ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਸਾਡੀ ਵੇਚਦੀ ਆ ਇੱਕ ਭਾਈ ਦੇਖ ਨਹੀਂ ਸਟੈਪ ਬਾਈ ਸਟੈਪ ਬਾਈ ਸਟੈਪ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਜਾਇਦਾਦ ਵੇਚੀ ਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਜਾਇਦਾਦ ਵੇਚੀ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਵੇਚਦੀ ਆ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਣਾ ਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਵੇਚਣ ਦਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਬਚਾਵਾਂਗੇ ਦੇਸ਼ ਵੇਚਣ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਉਹ ਗੇਟ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ
विजय सांपला नहीं दरबार साहब निकल दिया उसे घेरा कराई की पर विजय सांपला ने गाड़ियों साढ़े पंपर हिट किया साढ़े मोटरसाइकिल मुंडिया सट्टा मारिया मोटरसाइकिल मुंडे सत्त मुंडे साढ़े फटड़ हुए अज अज गिटे गोडे साढ़े तोड़े गए अभी उन्होंने भी घराव किया वा उन्होंने सर्किट हाउस आ गए सर्किट हाउस आन के इन्हों सौंपे दिते जा रहे हैं साड़ी सरकार इतों की उन्होंने मह मुख मेहमान के तौर वजों वी आई पी ट्रीटमेंट दे रही है सानू गिला वा साड़ियां सरकारां ते भी असीं सेंटर सरकार नाल रल रहे हैं ये उन्होंने सुख सहूलत दे रहे इतने इस करके मैं सानू सारी नाल रली है सर्किट हाउस इन्हों का पंजाब सरकार दे रही है पंजाब सरकार उसको वी आई पी ट्रीटमेंट दे रही है उन्होंने सहूलत दे रही है वो पुलिस सानू अंदर नहीं अगे नहीं जान दे रही पुलिस सानू जफ्फियां पा गए उन्होंने नप लिया सानू सट्टां लाइयां पुलिस दीआं गड्डियां नाल साडे बंपर मार मार के साडे मुंडियां नूं लत्तां तोड़ियां साडे गिट्टे तोड़े आ अंदर चोर मोरिया करके स्टेशन का मायना लैन आ अंबानी अडानी स्टेशन वेचन का साउथ से इन्हों रेवन्यूशन कर सारा स्टेशन का इस करके अं इन्हों स्टेशन नहीं वेचन देने असं अपना किसी कि खेती किता भी बचा रहे हैं असं खेती किता बचा रहे नाल दी नाल असं अपना जो पब्लिक सैक्टर वो भी बचा रहे हैं असं 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 देश निवासी हाँ असं अपना देश बचा वा साडा देश है ये मामे नहीं लगते साडे देश का वेचना गया सिर्फ झंडे वेख के डरे सिर्फ साडे हाथ झंडिया सी ना असि इन्हां दा विरोध कर रहे सी ना असि इन्हां दे कोई मगर जा रहे सी सिर्फ झंडे वेख के डर गए सिर्फ झंडे वेख के डर गए उस बब्बी होया भी उधर चढ़ रहे सी उपर हाईवे दे उत्ते ने किसानी का खाते हैं किसानी तो डरते क्यों डरते क्योंकि चाहे फैक्ट्रिया का पैदा किया हो अनाज खान यह कह दिन सू लिख के दे दिन भी असं किसानों दसलों दिड़िया वो फसलों तो बनिया हुआ अनाज या दालों या सब्जियां नहीं खावे फिर असं इन्हों का विरोध भी नहीं करा ਸਾਰੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਆਏ ਹਾਂ ਤੇ ਗਿੱਟੇ ਦੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਦੋ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਾਰਟ ਬਾਰ ਹੈਗੇ ਆ ਜਾਂ ਐਮਪੀ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜਾ ਮੰਤਰੀ ਜਿਹੜਾ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਜਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ क्योंकि नौजवान जरा झंडिया गांह दिखाते हैं लेकिन अभी झंडिया फिर भी गांह झंडिया धक्का आ जाओ बाहर आ जाओ और भारतीय जनता पार्टी किसानों को भगवान का रूप समझदी है अज भारतीय जनता पार्टी ने जेडे लोन लेके आए ने ये कोई असी नहीं लेके आए पहले 2017 कैप्टन अमरिंदर सिंह जी ने अपने मैनिफेस्टो पूरे नहीं 2019 का लोक सभा का मैनिफेस्टो कैप्टन अमरिंदर सिंह जी ने दोबारा यह मैनिफेस्टो अपना वादा दोहराया फैक्चुअल है मैनिफेस्टो बड़े अच्छे लॉज ने पूरे नहीं मैं पार्लियामेंट बैठे प्रधानमंत्री जी ने राज्यसभा प्रधानमंत्री जी ने राज्यसभा मनमोहन सिंह जी भी बैठे थे बिल्कुल मौन रहे बोले नहीं प्रधानमंत्री जी ने कहा कि इत्थे आदरणीय मनमोहन सिंह जी बैठे ने और आदरणीय मनमोहन सिंह जी बैठे ने और आदरणीय मनमोहन सिंह जी तो मैं उन्हां दी प्रेजेंस ही चल रहा कि ये फार्म लाओ जिहड़े ने मनमोहन सिंह जी ने भी इन्हां दी पैरवी कीती सी मैं गवाह हैगा सारी पार्लियामेंट गवाह है राज्यसभा गवाह है कि मनमोहन सिंह जी बिल्कुल मौन होके बैठे कंसेंट दिती
जो प्रधानमंत्री जी कह रहे ने तुसी सुनिया मैं भी सुनिया शरद पवार जी जिहड़े कि एग्रीकल्चर मिनिस्टर सी प्रधानमंत्री जी ने उन्होंने भी रिपोर्ट किया कि शरद पवार जी ने भी फार्म लॉ दे जिहड़ी सी वकालत की सी। सो मैं इहदे विच इह कहांगा कि प्रधानमंत्री कथनी दे करनी दे पूरे ने इस करके ये लॉज उन्होंने इंप्लीमेंट किए ने इहदे विच ऊपर लगाया इसके बावजूद कम हो गया है तो बुजुर्ग खत्म तो हो नहीं सकते लेकिन काफी कम कर दिया नहीं तो सारी बीट यहाँ नीचे गिर जाती है। ये जो हॉल है ये पूरा नया एडिशन है। हाँ ये नया इसमें डस्टिंग हो रखी है प्रोसेस था ये वो फैन है और ये सारे डस्टिंग हो रही है इससे ठंडी हवा जो है पूरी वाली वो दी जाएगी। पहले येलो सी कलर हूं हेरिटेज शेड हो गया बिल्कुल लुकिंग वेरी गुड। और ये बड़ा अच्छा देखो पार्किंग के लिए ऐसी सुविधा हो गई है और पिछले रेलवे स्टेशन का मैं कहा कि हेरिटेज शेड होना चाहिए इतने गोल्डन येलो शेड थी और आज मैं बड़ी खुशी है कि वो हेरिटेज शेड जरा